नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल हिमाचल प्रदेश और ऐसे न्यूज चैनल की टीम आज पहुंची है सतलोक आश्रम खुमाणू फतेहगढ़ साहिब पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है 3 दिन का दिव्य धर्म यज्ञ दिवस। और इसके उपलक्ष्य में यहां पर हजारों की संख्या में अनुयायी आए हैं और यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे। हम पहुँचे पार्किंग स्थान में, जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों का जमावड़ा है। मैं बता चाहूँगा कैमरामैन जी दिखाएं किस प्रकार की भीड़ यहाँ गाड़ियों की लगी हुई है। और जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, जो यहाँ स्थान है बना हुआ, इसका किस प्रकार का शुल्क रहता है? जो लोग यहाँ पर सारा दिन गाड़ियाँ खड़ी करते हैं उनसे कितने पैसे लेते हैं, या जो कुछ देर के लिए गाड़ी खड़ी करते हैं उनसे क्या शुल्क लेते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है? मैं जी बुआ दास शर्मा जी पंजाब से हूँ, और संत रामपाल जी का जो ये भंडारा ऑर्गेनाइज हो रहा है, हम इसके भंडारे में डिवोटीज हमारे साथ हैं, सभी हु हैज़ बीन डिवोटेड फॉर द काज ऑफ दिस भंडारा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी ड्यूटी ये कारों की अपना देख रेख में लगाने के लिए लगाई गई है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर भंडारा भी हर तरह से निःशुल्क है। इन एवरी रिस्पेक्ट वी आर एन्जॉइंग द होली आश्रम ऑफ संत रामपाल जी। भंडारा भी निःशुल्क है, चाय पानी बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते कारों के। ये इंडिया में, वर्ल्ड में नंबर एक भंडारा है, ऐसा कोई नहीं आज तक देखा जहाँ ये परमात्मा इन एवरी कॉमन साइट सीम्स टू टेक हेवनली अपीयरेंस इन सतलोक आश्रम खुमाणू। वी आर एन्जॉइंग वेरी हैप्पीली। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं चाहूँगा एक बार आप बताएं कि लगभग कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर एक दिन में आप पार कर सकते हैं? आज तकरीबन कम से कम 100-150 गाड़ी आ जाती है, कारें आ जाती हैं, और बसें भी 40-50 आ सकती है। यहाँ रखने के लिए साथ में जगह बनाई हुई है हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन इज़ एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द डिवोटीज। मतलब सबके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी फ्री है? बिल्कुल फ्री है, और एवरी कॉमन साइट सीम्स टू टेक हेवनली अपीयरेंस फॉर द डिवोटीज एंड दे आर एंजॉइंग वेरी नाइसली। तो आप देखिए, इतने एजुकेटेड व्यक्ति होने के बाद आपको यहाँ कार पार्किंग की सेवा दी गई है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ अच्छी सेवा मिलनी चाहिए या कुछ अच्छा? रिटायर्ड एज ए नेवल अफसर फ्रॉम विशाखापट्टनम एज ए INS। हाँ, तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगता महसूस होता कि आपको? आई एम एंजॉइंग, आई एम वेरी हैप्पी दैट माई सेल्फ इज स्टैंडिंग इन द लाइन ऑफ संत रामपाल जी महाराज। स्थल से आ चुके हैं पंडाल की ओर, और आपको दिखाएंगे यहाँ की व्यवस्था, किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और किस प्रकार से क्या यहाँ पर आने जाने वालों के लिए शुल्क रहता है या नहीं रहता है, या किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे दाहिनी तरफ, जहाँ पर पूछताछ कक्ष है, जहाँ पर बताया गया है किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी, किसी प्रकार की जानकारी अगर आपने लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी हो। और आगे बताया गया है प्रसाद और अमृत जल के बारे में बताया गया है, जो उनके अनुयायी हैं उनके लिए जो है यहाँ पर प्रसाद और रक्षा सूत्र जिसको बताया गया है, ये यहाँ पर निःशुल्क रहता है। और यहाँ फर्स्ट एड जो स्थल है वो बताया गया है कि फर्स्ट एड जो स्थल है, हम जानना चाहेंगे इसे, देखते हैं किस प्रकार की उन्हें व्यवस्था की गई है, जो फर्स्ट एड अगर किसी को बीमार होने पर किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। नमस्कार मैम। सत्साहेब जी। मैम, ये जो आप यहाँ पर दवाइयाँ रखी हुई हैं, इनका किसी प्रकार का आप शुल्क लेते हैं या ये फ्री हैं? यहाँ पे जितनी भी दवाइयाँ पड़ी हैं यहाँ पे, ये सब निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं चार्ज किया जाता है इसमें, सब फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। जो यहाँ पर जो जैसे इनको बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हम जानना चाहेंगे मैम, अगर कोई किसी को इमरजेंसी हो जाती है किसी प्रकार की, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत इमरजेंसी हो भी जाती है तो उसको रेफर कर देते हैं बाहर, थोड़ी बहुत मेडिसिन जैसे थोड़ी बहुत फर्स्ट एड है वो उसको हैंडल किया जाता है यहाँ पे। मतलब अच्छा, आप लोग यहाँ पर परमानेंट रहते हैं, जैसे कंटिन्यू दिन या रात रहते हैं, या मतलब कुछ टाइम के लिए रहते हैं? नहीं, यहाँ पे तीन दिन भंडारा चलता है, तो फिर 24 घंटे सर्विस होती है हमारी। राम जी महाराज के अनुयायियों द्वारा यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है दवाइयों की, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कोई बीमारी, छोटी मोटी बीमारी को भी हैंडल करते हैं, और कोई इमरजेंसी हो जाती है
तो उसके लिए पहले तो यहाँ पर खुद ही हैंडल करते हैं, और अगर कुछ ज़्यादा इमरजेंसी हो जाने पर उसको रेफर किया जाता है नियरेस्ट जो है हॉस्पिटल में। तो आगे की व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं, देखिए अभी हम आ चुके हैं मेन गेट के ऊपर, जो पंडाल का मेन गेट है, तो पंडाल के मेन गेट के बाहर ही यहाँ पर बाथरूम की व्यवस्था भी है। हम चाहेंगे इनसे भी कुछ जानकारी लें किस प्रकार की व्यवस्था है लोग करते हैं। अरे से हम आ चुके हैं यहाँ पर बाथरूम के पास, किस प्रकार की सेवा करते हैं इनसे जान लेते हैं। नमस्कार सर। सर साहिब जी, जो आप जो अंदर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए पैर धुलाने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप एक पानी कौन सा यूज करते हैं आप? एक गर्म पानी। सबके लिए? सबके लिए। अच्छा, और कौन कौन सी व्यवस्था आप यहाँ पर करते हैं बाथरूमों के लिए? चप्पलों की व्यवस्था है, तेल की व्यवस्था है, साबुन की है, बाथरूम के लिए सारा गर्म पानी दिया जाता है, नहाने के लिए सब गर्म पानी है। जो आपने बताया कोलगेट साबुन, वो आपको क्या पैसे वगैरह में देते हैं? फ्री देते हैं, परमात्मा की सेवा है वो। मतलब हर चीज फ्री है? हर चीज की, कोई पैसा नहीं है इसमें। कितने भी लोग नहा लें? सब, जितने मर्जी है। देखिए इनका कहना है कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए ये फ्री में व्यवस्था करते हैं, जैसे साबुन हो, कोलगेट हो, या किसी प्रकार का जो व्यवस्था है वो निःशुल्क रहती है और फ्री में करते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं पंडाल के पास, और आपको बताएंगे किस प्रकार की व्यवस्था पंडाल में की गई है और किस प्रकार से श्रद्धालुओं को बिठाया जाता है। और देखिए यहाँ पर बाहर बहुत बड़ा बोर्ड संत रामपाल जी महाराज का लगाया गया, और पंडाल स्थल भी लिखा गया है जहाँ लिखा भक्तों के लिए, मतलब जो एंट्रियाँ हैं वो भी अलग अलग दी गई है। एक अलग से व्यवस्था है यहाँ पर कि जो भक्त हैं, मतलब जो जेंट्स हैं, उनके लिए अलग से एंट्री दी गई है, और लेडीज है उसके लिए अलग से एंट्री दी गई है, लिखा है बहनों के लिए। तो दोनों एंट्री अलग अलग हैं, और अंदर आपको दिखा दे किस प्रकार से पंडाल को सजाया गया है, बहुत ही मनमोहक अंदाज में देखिए इन्होंने सजाया हुआ पंडाल को, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जो लाइटिंग है और जो भक्तों के रहने का बैठने का जो बंदोबस्त है वो भी अलग अलग है। देखिए आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु अनुयायी जो भक्त हैं, जो जेंट्स हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, और जो लेडीज है लेडीज के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, उनके रहने खाने पीने का जो है सब अलग से रहता है सिस्टम। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पर देखने को हमें लगा, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था हमें मिली, जहाँ की लेडीज को और जेंट्स को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप देख सकते हैं जो आगे दरबार साहिब भी है, बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। अभी हम पहुंच चुके हैं दरबार साहिब, जहां बताया जाता है जो मेन जहां पर संत रामपाल जी महाराज का आसन लगाया हुआ है, और किस भव्य तरीके से इसको सजाया गया है आप देख सकते हैं। और यहां कुछ श्रद्धालु प्रणाम करके आ रहे हैं, कुछ प्रणाम कर रहे हैं, तो इसे जान लेते हैं ये प्रणाम क्यों करते हैं। नमस्कार सर। सत्साई जी। सर ये जो आप अभी प्रणाम कर रहे थे, प्रणाम करने का उद्देश्य क्या है? प्रणाम करने से जो हमारे गुरु जी ने हमें 5 यज्ञ बताए गए हैं उनमें ये प्रणाम यज्ञ भी माना जाता है। उसके अंदर जो हमारे अंदर जो अहंकार है वो बार बार प्रणाम करने से खत्म हो जाता है, जिससे हमारी आत्मा को शुद्धि होती है। देखिए बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि हमारा जो अहंकार है, जैसे हमारे बताया था काम क्रोध लोभ, वो अहंकार के बारे में बताया गया है, तो जो अहंकार है उसको कहते हैं कि दंडवत प्रणाम करने से वो धीरे धीरे समाप्त होता है। और यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं और आपको भी दिखाना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं लेडीज है उनके लिए जो पाठ प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है, पाठी जो है वो अलग से देखिए पाठ कर रहे हैं, और जो बहनें लाइन में लगी है चवर सेवा भी कर रही हैं, पंडाल बना हुआ है भक्तों की, और भी अलग से जो भक्त हैं जो जेंट्स हैं वो पाठ कर रहे हैं, जिसको अखंड पाठ कहा जाता है, और 3 दिन तक अखंड चलेगा। तो उसमें इस प्रकार अलग अलग से बारी बारी से पाठ कर रहे हैं, और जो जेंट्स हैं अलग से और लेडीज हैं वो अलग से पाठ कर रहे हैं। गरीब केशव बंजारा भया बालद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर केशव अवतार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा व निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन
दिनांक 26, 27, 28 नवंबर 2023 को किया जा रहा है, जिसमें आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। इस महासमागम में निशुल्क नेत्र जांच शिविर, निशुल्क आंखों के चश्मे और निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श व जांच शिविर भी लगाया जा रहा है। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, तहसील गुहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा। समय सुबह 8 बजे से साय 5 बजे तक।